पार्षद कहते हैं भगवान, क्या ये माना जाए कि कई जन्मों की तपस्या से जो फल मिलता है, कई जन्मों के प्रताप से जो आत्मज्ञान मिलता है, वो शिव पुराण सुनने से सहज अवस्था में मिल जाता है? तो शिव पार्षद कहते हैं हां, शिवमुरा पुराण की महिमा है। शिव पुराण के संदर्भ में कुछ कहना कि क्या क्या मिल सकता है, कि बजाय ये कहना चाहिए क्या नहीं मिल सकता है, वो सब इसकी महिमा गाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी देव नर गंधर्व किन्नर किसी के बस की बात नहीं है। देव ये तो अपरंपार है महिमा है इसकी, और ये अमृत है। इसके हर एक एक कण में, एक बूंद में 1000 कण पाए जाते हैं, एक एक कण में कई प्रकार के अणु पाए जाते हैं, और बहन जाए शुक्राणु पाए जाते हैं। और कहते उसके अंदर भी चले जाओ, उतना छोटे के बाहर भी जाकर के देखो, तो कहते हैं कि वहां भी शंकर पाया जाता है। तो ये तो पूरा कलश है अमृत का शिव महापुराण। निष्काम भाव से अगर तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तो शिव भक्तों ध्यान रखना, ये मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाली है। ये क्या दिलाने वाली है? ये मोक्ष पद को दिलाने वाली है।